डियर स्टूडेंट्स, क्लास प्लस टू मैथ एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स चैप्टर अपना एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स को ऐड अप कैसे करेंगे। सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो एग्जांपल ले लिया हमने, ए की वैल्यू 2, 4, 5, 6, बी की वैल्यू 3, -2, 9, 18। इसका भी 2/2 का है ऑर्डर, इसका भी 2/2 का है। तो ए प्लस बी निकालना है, ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू। अब यहाँ ए 1 है, ए 1 है, A12, A12, A21, A21, A22, A22। तो corresponding element add up होंगे, तो 2 + 3, 4 - 2, 5 + 9, 6 + 18। तो 2 और 3, 5, 4 - 2, 2, 14 आ गया, 24। अब क्वेश्चन नंबर 5, A दे दिया हमारा 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3, 3/3 की मैट्रिक्स है। उसके बाद बी दे दिया 2/5, 3/5, A1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। उसने पूछा है वैल्यू कैलकुलेट करनी है 3A - 5B की। 3 A की वैल्यू पुट कर दी, -5 B की वैल्यू पुट कर दी। अब 3 की मल्टीप्लीकेशन होगी तो जितने भी अंदर एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर, चाहे कितने भी एलिमेंट्स हो, सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी। इसी प्रकार ये है, अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी। तो 3 × 2/3, 2 आ गया। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया। 1, 2, 4। 7/3 के 3 से करेंगे 7, 6, 2। इसी प्रकार 5 की करेंगे, माइनस बाहर रख लिया, 5 से 5 कैंसिल, 2, 3, 5। 1, 2, 4, 7, 6, 2 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट। अब भाई 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, ये सारे एलिमेंट क्या आएंगे, 0। इसे क्या बोलते हैं, 0 मैट्रिक्स। तो 3A - 5B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 मैट्रिक्स। थैंक यू।